टाइम ये खाओ खाओ, हाँ खा लो। इतना फास्ट ये खाता है। आज मैंने इसको सेरेलेक दिया है, तो इसका सेरेलेक भी कभी देती हूँ कभी उनका, उसका जो फूड आता है मिल्क और एक पेस्ट आता है मतलब पाउडर जैसा, वो भी मैं देती हूँ जिस दिन जैसा। अभी इतना फास्ट ये खाता है, इतना जल्दी जल्दी, धीरे 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 खाओ। और एकदम पानी नहीं पीता है मेरा छोटा सा बीबी। पानी पियो पानी, हाँ ठीक है पहले खा लो। धीरे धीरे मम्मा धीरे, हाँ छोटा सा बीबी पानी पियो, हाँ धीरे 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 धीरे। और ये फिश, सारे बच्चे खेल रहे हैं। आप एक आप मुझे नहीं पता, ये जो है ना ये दो फिश आपको दिख रहे हैं, इनका ये एक्चुअली पेट में इनका बेबी है। तो देखते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि बेबी फिश का बेबी होगा। तो शार्क भी एक अच्छी बात है, रॉकी आने के बाद शार्क बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, शार्क अभी बहुत ज़्यादा खेलता है। तो यहाँ पे रॉकी है, रॉकी की वजह से बहुत सारा मतलब चेंजेस तो आया है। तो ये रहा रॉकी, पूरा हाथ घुसा के एकदम खा रहा है। खा लिया, देखो फिनिश हो गया फूड। अच्छा बेबी, गुड बॉय। अभी माँ को बोलने के लिए आया है, पानी पियो। हाँ एकदम पानी नहीं पीता ये, अभी पी रहा। हाँ गुड बॉय। इसका वैक्सीनेशन हो गया है ऑलरेडी, और एक 15 डेज बाद वैक्सीन है, वो वाला हम लोग देंगे। हो गया। ये जो फिश है इनके पेट में बच्चा है। ये यहाँ पे रॉकी का बदमाशी स्टार्ट हो गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो जैसे कि आपको मेरे आँख से लग रहा होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो रॉकी आने के बाद मतलब ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रहा है, रॉकी काम ब्लॉगिंग एकदम नहीं हो पा रहा है। तो वो होता है ना कि घर पे मतलब एडजस्ट होने में वे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब रॉकी को 2-3 बार उठना और रात को, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। बट अभी तो नॉर्मल है, वो हैबिचुएटेड हो गया है, बहुत अच्छे से वो खेल कूद रहा है और टच उट मतलब बहुत अच्छे से खेल कूद रहा है और खाना वगैरह हो रहा है। तो यही है, रॉकी कम अभी आ जाएगा। ओ अच्छा, ये देखिए क्या कर रहा है, मेरे दुपट्टे को खा रहा है। हर टाइम इसका बदमाशी चालू है, मतलब आज थोड़ा सा मेरा तबीयत तो ऑब्वियसली ख़राब है जैसे कि आपको लग रहा है। तो वो है ना, मतलब मुझे हर 1 मंथ में चेकअप का ज़रूरत हो रहा है, क्योंकि आफ्टर कोविड थोड़ा सा इम्यूनिटी मेरा शायद डाउन हो गया, और एलर्जेटिक प्रॉब्लम तो मेरा अचानक से पता चला मुझे भी और ईशान को भी। तो इस वजह से आज फिर से मुझे मेरा तबीयत ख़राब है। तो टेंशन नहीं है कि रॉकी को छोड़ के मतलब कैसे जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब उसको अकेले हम लोगों ने छोड़ा नहीं। तो मेरे हस्बैंड ईशान के पापा वो ऑफिस से शायद आ जाएंगे जल्दी, तो उसके बाद ही मैं जा पाऊँगी। देखते हैं क्या होता है, ये सब एक्सपीरियंस मेरा एकदम नया है। डॉग लेने के बाद पता चलता है कि वो घर का फैमिली का पूरा हिस्सा है। तो ऐसा हो मतलब जब से रॉकी आया है, रॉकी क्या खा रहा है, जब से रॉकी आया है बार बार देखना पड़ता है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जब से रॉकी आया है उसको हमने कभी अकेला नहीं छोड़ा है,
तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतना दिन से मैं घर पे ही हूँ, मतलब मैं बाहर नहीं गई हूँ, ऑलमोस्ट 20 डेज़ के ऊपर हो गया है। मतलब बाहर मतलब उसके साथ ही गई हूँ, ऐसा नहीं मैं उसको छोड़ के गई। रॉकी, ये रहा रॉकी, कम, ये रहा रॉकी, कम बेबी। तो हमने एकदम बहुत लग रहा है कि बहुत शांत है, एकदम शांत नहीं है, तो इसको हम अकेले नहीं छोड़ सकते, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। अभी तो बैठा है मम्मा के गोद में, बहुत इनोसेंट लगता है बट है नहीं, नहीं हम नहीं है इतना इनोसेंट, बहुत दुष्ट। और इसको लेके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यार करती हूँ, और ईशान भी बहुत प्यार करता है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा मतलब नॉटी हो जाता है, बट ठीक है चलता है, इतना तो करेगा ही ना, इतना छोटा बेबी है, इतना छोटा बेबी है। देखिए गोद में रहना है बट वो बदमाशी भी करना है। मैं इसको मतलब लेके जाती हूँ ऊपर छत पे, थोड़ा ऐसे, एक्चुअली ये तो मार्बल का है तो इसको चलाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। देखिए क्या कर रहा है, अभी तो सीढ़ी भी उतर रहा है। नो नो, पौधे में नहीं, नो, कम। सब मुझे क्लियर करना पड़ा, ये गद्दा वगैरह सब उठा के रखना पड़ता है क्योंकि ये एकदम जाके फाड़ देता है, ढूंढ रहा है क्या बदमाशी करेगा। हाँ वेट चेक कर लो थोड़ा, कम कम, देखिए क्या कर रहा है, नो नो कम। तो ऊपर लेके जाती हूँ, मेरा सफ़ेद कुत्ता है और एकदम काला हो के आता है, पूरा डस्ट है वहाँ पे खेलना। देखिए आप क्या कर रहा है, देखो क्यों मैं गद्दा कैसे बिछा के रखूँ, देखो देखिए उसको ये बदमाशी करना है, फाड़ दो उसको। हाँ क्या करना है, ईशान का खिलौना लेके बैठ जाता है ये खेलने के लिए। नहीं खेलना है, जंगल में घुस गया रॉकी, ये चूकी, ए कम। ईशान स्कूल से आ गया है, अभी प्यार चल रहा है दोनों का, भाग गया रॉकी। दादा भाई को क्या हुआ, जाओ जाओ जाओ, बचाओ बचाओ दादा भाई को, नहीं बचना है रॉकी। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर दिखा के घर वापस कर रही हूँ, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेना है, तो सामने ही चाय था तो थोड़ा सा चाय पी के घर वापस। तो अभी मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ, तो देखती हूँ कि डॉक्टर क्या कर रहा है, मुझे बड़ा टेंशन था, देखती हूँ। ये बेबी जुन जुन जुन, हाँ मम्मा, एक घंटा हो बाबा बाबा बाबा, हाँ बाबा एक घंटा, मम्मा नहीं तो ओ बाबा बाबा, आली बाबा ली बाबा ली, जुन जुन पापा भी आ गए और रॉकी भी यहाँ पे एक्टिव हो गया है ना। रॉकी, अरे रॉकी, रॉकी पापा को, पापा कहाँ है, पापा कल मौसी नहीं आएगी,
कल चूची थी तो हाँ कल मौसी नहीं आएगी, ठीक है? हम तो मौसी के गोद में जाके सीख के बर्तन धोएंगे। आज रॉकी अकेले एकदम अकेले था। ईशान तुम कहाँ अकेले था? रॉकी अकेले था। अभी जा रहा पापा के पास घूमते घूमते पौधू हिलाते हिलाते टुई 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 टुई। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बहुत सारा प्यार दीजिए रॉकी को और हमारे परिवार को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।